हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें हमें फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम जब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या केस क्या समझाया था मैंने आपको, सबसे पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है इसका। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करो जरा इसका, पी डेस एक्स, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 24 माइनस 36 एक्स। ठीक है, मैंने आपको डबल डेरिवेटिव का केस क्या बताया था, डबल डेरिवेटिव का केस क्या होता है ये देख लेते हैं। पहले हम डबल डेरिवेटिव का केस होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है फंक्शन को। सेकंड स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद उसे जीरो के इक्वल रख के उसके क्या निकालना है, एक्सट्रीम पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, थर्ड केस क्या करना है, उसका डबल डेरिवेटिव करना है। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आता है, मतलब उस पॉइंट को पुट करने पे, मान लेते हैं एक्स की दो वैल्यू आई हैं ए और बी, अगर एफ डबल डैश ए पे अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब इट इज मिनिमम। इसमें उल्टा होता है कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम होगा और लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमम होगा। तो अगर एफ डबल डैश बी पे अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो इट इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम, आपको ये याद रखना है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम और लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम। और अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि आपने कुछ पुट किया और वो इक्वल टू जीरो आ जाए, समझ लो सी पॉइंट भी होता, तो आपको फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना है। अगर डबल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ जाता है तो इसका साफ साफ मतलब है ये टेस्ट फेल हो चुका है। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाना है और मैंने बताया था चेक करना है कुछ कि अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सी नेगेटिव टू नेगेटिव आ जाए तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये केस था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। ठीक है, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा। ये कौन सा केस था, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। ये कब करना है चेक आपको, जब एफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो है, किसी पॉइंट पे जब इक्वल टू जीरो आ जाना है तो आपको क्या चेक करना है, मैक्सिमा, और मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आपको चेक करना है मैक्सिमा और मिनिमा उस पॉइंट पे। हो सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो जाए। ठीक है, तो देखो पी डैश एक्स इक्वल टू 24 माइनस 36 एक्स। अब क्या करना है, सबसे पहले इसे जीरो के इक्वल रखना है, तो जीरो के इक्वल रखते हैं इसे, तो पी डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब 24 माइनस 36 एक्स इक्वल टू जीरो। इसको उठा के धर लेके जाओ, तो ये इसको उठा के धर लेके जाएंगे तो माइनस 36 एक्स और माइनस 24, माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू 24 बाय 36 कैंसिल करोगे तो 2/3, तो एक्स की वैल्यू 2/3। अब एक ही एक्सट्रीम पॉइंट आया है, या तो इस पर मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, और हमें मैक्सिमम ही निकालना है। तो देखते हैं मैक्सिमम होता है या नहीं होता। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, जब इसका डबल डेरिवेटिव किया तो ये आ गया माइनस 36, और हमें पता है माइनस 36 लेस देन जीरो है तो इट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, इट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट एट एक्स इक्वल टू 2/3, इट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट एट एक्स इक्वल टू 2/3। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 2/3 पे। अब मैक्सिमम प्रॉफिट चेक करना है हमें, तो हम पी में इसमें पुट कर देंगे 2/3, तो 41 प्लस 24 2/3 माइनस 18 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 41, ये कट गया 8 पे थे, 8 टू जो 16, और ये आ जाएगा 18 4 और 9, तो ये कट गया 2 पे, तो ये आ गया 41 प्लस 16 और माइनस 8, तो 41 प्लस 16 और माइनस 8, तो ये आ जाएगा 41 प्लस 8 तो इक्वल्स टू 49, जो है इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर हम आंसर चेक करें तो क्या रहा है इसका आंसर, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का 49 यूनिट। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको पता चल चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन जरूर करें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x
प्लस 25। तो इसमें हम एफ एक्स क्या दे रखा है, इसमें 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। और ऑन इंटरवल क्या दे रखा है इसमें, जो x बिलोंग्स कर रहा है वो 0 से 3 दे रखा है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें आपको ये इंटरवल गिवन हो क्लोज में, तो आप हमेशा याद रखना एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कॉन्सेप्ट क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। और मैं बताता हूँ, करता हूँ इसको, तो बताता जाता हूँ मैं आपको। तो इसको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो, क्या आएगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 4, और 12 4 जो 48 होता है। अब इसे 0 के इक्वल रखना है, ठीक है, तो 0 के इक्वल रखेंगे तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, समझ आया होगा आपको यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इसके इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो हमें देखना है कि किस पे ये जीरो हो रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो देखो 1 और 2 3 और ये 6 होगा, तो ये नहीं आ पा रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो जब मैं इसमें 2 पुट करूँगा तो ये 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। तो आप देख सकते हो ये 8 से ये 8 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, मतलब x की वैल्यू 2 पॉसिबल है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे x माइनस 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूँगा। तो x माइनस 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूँगा तो ये आएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब ये x है, ये x क्यूब है, तो आपको डिवाइड करना आता होगा, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो ये कट गया यहाँ से आप देख सकते हो, और यहाँ पे आ गया 2x माइनस 4। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x माइनस 4 इंटू, तो आप देख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2 को अगर मैं 0 के इक्वल रख दूँ तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल आ रही है यहाँ से, और वो है x की वैल्यू 2। तो आपको अब करना क्या है, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 0, 2 और 3। आपको x की क्या क्या वैल्यू मिल गई, 0, 2 और 3। आपको 0, 2 और 3 पे ही चेक करना है कि किस किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है और किस पे मिनिमम आ रहा है। तो अब करना क्या है, पहले इसमें 0 पुट करना है। तो जब f 0 की वैल्यू निकालोगे आप, तो f 0 की वैल्यू तो ये सारी 0 हो गई, तो ये आ गया 25। अगर मैं f 2 की वैल्यू निकालूँ तो 2 में पुट करना पड़ेगा, तो 3 2 की पावर 4 माइनस 8 2 की पावर 3 प्लस 12 2 की पावर 2 और माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 इंटू 2 की पावर 4 16 होता है, 8 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 96 प्लस 25। तो 16 3 जो 48 64 48 माइनस 96 और प्लस 25। तो देख सकते हो 48 96 ये तो कैंसिल हो गया, और से माइनस 65 में से 25 गए, तो माइनस 65 माइनस 64 में से 25 गए, तो 9 और 3, तो माइनस 39 ये आ गया F2 पे। अब चेक करते हैं F3 पे, तो F3 पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो आप मुझे F3 पे कमेंट करके बताएंगे कि क्या वैल्यू आई है, ठीक है। तो आप देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन है हमारे पास, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, साइन 2x, और जो इसमें इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है 0 से 2π। तो इसमें भी आपको पता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा लगाना है क्योंकि इंटरवल दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, एफ डेज एक्स 2cos 2x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, पता होगा आपको, ठीक है। अब इसे 0 के इक्वल रखेंगे, 2cos 2x इक्वल टू 0, तो cos 2x इक्वल टू 0। अब हमारे पास cos 2x, cos 0 कब होता है, cos 0 होता है हमारे पास, हम क्या लिखते हैं इसे, हम लिखेंगे यहाँ पे 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, जहाँ पे n जो होता है वो बिलोंग्स किस में करता है, इंटीजर में, ठीक है, i से डिनोट कर दो या z से डिनोट कर दो। अब अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्ट, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4,
अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये 5 पाई बाई 4, और इससे ज़्यादा अगर मैं एन की वैल्यू 2 पुट कर दूँ, अगर मैं एन की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 3 पाई बाई 4, मैं 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा 5 पाई बाई 4, अगर मैं 3 पुट करूँगा तो 6 प्लस 1 7 पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाई 4, और अगर मैं 4 पुट करूँगा तो 9 पाई बाई 4, और 9 पाई बाई 4 इससे एक्सीड कर जाएगा। और इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि किस पे मैक्सिमम होता है, सिर्फ हमें सिर्फ मैक्सिमम देखना है। तो आप क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे, तो f पाई बाई 2 पाई बाई 4, जब मैं पाई बाई 4 पुट करूँगा यहाँ पे, तो आपको पता है साइन 2 इंटू पाई बाई 4, ये 2 पे कट गया तो 1 आ गया यहाँ से, फिर f 3 पाई बाई 4 पुट करूँगा मैं यहाँ से, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 3 पाई बाय 4, ये कट गया यहाँ से, तो ये आ गया आपके पास 2, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे साइन 3 पाई बाय 2, और साइन 3 पाई बाय 2 पे क्या होता है, हमारा वैल्यू 0 होता है, 270 पे 0 होता है या 1 होता है, हाँ ये भी बड़ी बात है। अब 270 में हमारी वैल्यू क्या होती है साइन की, -1 होती है या +1, -1 होती है सॉरी, ठीक है। और एफ 5 पाई बाय 4 पे चेक करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 5 पाई बाय 4 इंटू 2, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा क्योंकि ये 2 पे कट गया, और 5 पाई बाय 4 होता है 440, ये 1 होता है। और इसके बाद f 7 पाई बाय 4 चेक करेंगे तो इस पे -1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम देखना है, तो मैक्सिमम किस किस पे है, मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, ठीक है। दिस इज द आंसर, और आप देख सकते हो कितना ईजिली हो रहे हैं क्वेश्चन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे, हमने 8th क्वेश्चन कर लिया, 9th क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट की तरह है, 10th वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा है, 11th देखते हैं, 11th बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज गिवन डैट एट एक्स इक्वल टू 1, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन अटेन्स इट मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो, हम जब x की वैल्यू निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के इक्वल रख रहे थे, तभी तो x की वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ पे जो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है x की पावर 4 -62x² +ax+9। इसका मतलब जी x की वैल्यू कह रहा है कि इस पर मैक्सिमम है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि जब हमने इसका डेरिवेटिव किया होगा तभी आया होगा, 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल वैल्यू ऐसी निकलती है। तो हम क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स करेंगे, ये 4x³ आ जाएगा, ये 124x आ जाएगा प्लस a आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रख देते हैं इसे, 4x³ -124x प्लस a इक्वल टू 0, 1 पुट कर दो, 4 -124 प्लस a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 120, एंड दिस इज द आंसर। तो अब देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखो 12th भी बहुत इजी है, तो आप ऐसा करें 12th का क्वेश्चन ट्राई करें, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अब करेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम्स ये भी हैं। अब आगे के अगली वीडियो में हम बड़ी से बड़ी वीडियो बनाएंगे 40 से 45 मिनट का, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।